आज हमारे स्टूडियो में तीन लफंगे घुसाए। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग हैं कौन, तो एक ने बताया कि वो चड्डी है, दूसरे ने कहा कि वो डीजल के नाम से जाने जाते हैं, और तीसरे ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ही इज कॉल्ड गुलकंद। तो फ्रेंड्स, लेट्स प्लीज वेलकम द थ्री फ्रेंड्स ऑफ नील नितिन मुकेश इन लफंगे परिंदे, दैट्स नमित दास, विराज अदव एंड विनय शर्मा। वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार। आप लोग कैसी भाषा में बात करेंगे, जो वाड़ी में चलती, जो फिल्म में आपने इस्तेमाल की है, या आपको थोड़ी एटिकेट्स वाली भाषा आती है? एटिकेट बोले तो कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल। हम लोग को जो कंफर्ट, जहाँ पे जोन होगा वही बोलेंगे। तो कंफर्ट जोन किस में है? मतलब जैसा ये कुर्सी कैसा है, कंफर्ट लगता है, कंफर्ट लगता है। हम लोग ऐसा लैंग्वेज होंगे ऐसे ही अच्छा, ऐसा हम लोग का ऐसा ही अच्छा, सही टाइम पे सही मुक्का। कुछ लोग इसे गुड लक कहते हैं, करेक्ट। मैं इसको आपसे 10 मिनट बात करके तो फिर वो भाषा तो आ ही जाती है। हम लोग का इफेक्ट अच्छा हो रहा है। ये भाषा आप लोगों ने इस फिल्म के लिए सीखी या आपको आती थी ये भाषा? नहीं, ऑब्वियसली ये भाषा के लिए, मतलब पर्सनली अगर मैं कहना चाहूँ कि इस भाषा से मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं था, लेकिन इस भाषा के पीछे एक राइटर है जिनका नाम है गोपी पुत्रन। तो आप मतलब अंग्रेजी लफंगे हैं, यू टॉक इन इंग्लिश समथिंग लाइक दैट। और जो गोपी ने है वो ऐसे, मतलब ये कर करके वो भाषा हम सब में डाल कूट कर भर दी एकदम पूरी तरह। मतलब मुझे भी आती थी, इसे आती थी या इसे थोड़ी बहुत आती थी या जो भी है, लेकिन अब मतलब वो अब यहां आप किसी भी टपोरी को कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं एकदम। हम लोग की रगों में घुस गया एकदम। बट सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों के ये नाम कैसे पड़े, आप चड्डी क्यों हैं? या ये इन्हें बताने दीजिए आपका नाम चड्डी क्यों है। बताता हूं, ये ऐसा था ना कि वो वाड़ी में बचपन से हम लोग साथ में है, तो हम लोगों को आदत था इसका पजामा नीचे उतारने का है, कुछ भी शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहने ऐसे नीचे उतारने का। उतारने के बाद हम लोग को कुछ दिखता नहीं था, मतलब वो चड्डी दिखती नहीं थी, चड्डी दिखती नहीं थी। उसको ऐसा रिमाइंडर के लिए ना कि बाबा चड्डी 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 चड्डी, तो उसका नाम ही चड्डी है। तो अगर जीन्स खींचे अभी तो चड्डी है, अभी चड्डी मैंने पहना। अच्छा, इनका नाम डीजल क्यों पड़ा? डीजल ये क्या है कि हम लोग के वाड़ी में सब लोग का सीनियर है एकदम, ये सीनियर आदमी, उम्र दराज आदमी है। अच्छा। ये इसको हम लोग डीजल तो बोलते हैं, कभी कभी चचा भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इतने बुजुर्ग हैं। इनकी उम्र के कछुए मर गए। तो ऐसा है, तो हम लोग का ट्रेनिंग करते हैं और थोड़ा क्या मैकेनिक का काम वगैरह करते हैं ना, तो इसलिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और हार्डवर्क से ही इनको प्यारा सा कलर जो इनको मिला है, डीजल सा कलर हो गया, इनको डीजल सा कलर मिल गया। मैं काला बोलना नहीं चाहता, काला बोलना थोड़ा गलत हो जाता है। हाँ, गलत हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो मेरा कॉम्प्लेक्शन ही वैसा हो गया अभी, ग्रीस लग लग के। अच्छा, और ये गुलकंद, ये सच अ स्वीट गाय, ये पहल की डबरी में मिलेगा आपको। और जैसे आपने स्वीट गाय बोला ना, वही है, स्वीट गाय और पान की डबरी भी मिलेगा। तो पान का बहुत शौक है? नहीं, ऐसा पान वान तो नहीं खाता है अपन, मतलब पान की दुकान पे लाइन मारने के लिए खड़े रहते हो? हाँ, हमेशा हमेशा। और ये एकदम स्मूथ आइटम है, एकदम स्मूथली ऑपरेट करता है। और फिर मक्खन होना चाहिए नाम, लेकिन गुलकंद की तरह मीठा भी है ना ये। आप लोगों को ये फिल्में कैसे मिली? नमित ने तो दो फिल्मों में काम किया है, द प्रेजेंटर्स कमिंग एंड वेक अप सिड। विराज, दोस्तों आपको बता दूं, विराज की आवाज आपने बहुत सी फिल्मों में सुनी होगी, ही इज अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हु हैज डब्ड फॉर सच एक्टर्स एज जॉन एब्राहम, डीनो मोरिया एंड मेनी मोर। एंड विनय शर्मा, ही इज एब्सोल्यूटली न्यू टू द फिल्म इंडस्ट्री, ही इज डन एन एक्टिंग कोर्स इन FTII की फिल्मों में इन्होंने काम किया है, लेकिन पब्लिक के सामने ये पहली बार आज यानी फ्राइडे को लफंगे परिंदे के बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। हाउ डिड यू गेट इन टू दिस फिल्म? फॉर मी इट वॉज, मैं दादा के साथ, प्रदीप सरकार जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं बहुत एडवर्टाइजिंग का, वॉइसिंग का काम करता हूं। वो एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट्स बहुत बनाते हैं, फिल्म्स बहुत बनाई है, फिल्म्स बनाते हैं, तो आप उनकी वॉइस ओवर करते हैं? मैं उनके वॉइस ओवर बहुत करता हूं। तो ये इस फिल्म के लिए मैं एक ऑडियो बोर्ड कर रहा था उनके साथ। अच्छा। दादा की एक ये स्पेशलिटी है कि वो एक फिल्म को ऑडियो फॉर्मेट में पहले क्रिएट करते हैं बिफोर गेटिंग ऑन द शूटिंग फ्लोर। तो मैं उनके साथ इस ऑडियो बोर्ड में भी शामिल था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम वॉइसिंग में ये सब कर सकते हो,
तो इसको तुम कन्वर्ट कर दो ऑन स्क्रीन। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा मैंने तो एक्टिंग कभी की नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसे करवा लेंगे तुझे। तो करवा लेंगे तुझसे कह दिया उन्होंने ऐसे एकदम, वो एकदम ऐसे स्माइल करते हैं एकदम अच्छे प्यारे से। तो मुझे वो मैं वहीं पर अच्छा चलो ठीक है दादा अगर करवाएंगे तो मैं अभी कर ही लेता हूँ। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट वाज अ बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज फेसिंग द कैमरा एंड दैट एंड होपफुली नॉट द लास्ट टाइम। I hope not. What I mean to say is that you would like to continue acting as a... Surely, okay. I would. So, I enjoyed the process thoroughly. Achha. And where does that leave your career in voicing? Aap jo awaaz dete hain, voicing career will always be there. It will go on. Achha. To dono aap karenge. Bilkul, bilkul. Vinay, aapko ye film kaise mili? FTII ke bahut sare graduates hain, bahut sare logon ne FTII America se, Lee Strasberg University se acting ka course kiya hai. How did you land this role of Gulkand? Actually, मैं अकेला रहता हूँ बॉम्बे में, मतलब एक दोस्त के साथ। तो सो मेरा बर्थडे था तो मैं किसी के घर पे पार्टी करने गया हुआ था ऐसे। तो वहाँ अखबार पे 3 ईमेल एड्रेस लिखे हुए थे किसी के, तो मैंने पूछा ये क्या सारे फेलो एक्टर्स ही हैं? तो मैंने पूछा क्या है यार, पूछते रहते हम लोग कि यार अच्छा कहीं फॉरवर्ड करनी है पिक्चर्स वगैरह नहीं। तो बोला ये एक है जो हमारे सीनियर ने दिया है FTII के किसी ने। सो मैंने फॉरवर्ड किया और बोला किसी एड के लिए है शायद। तो आपने अपनी फोटोज और भेज दी। शाम को मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ऑडिशन दीजिए। मैंने सोचा एड योर बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई थिंक, आपकी बर्थडे थी। या सो एड का मैं तो ऑडिशन एड के तरीके से दे रहा था, बाद में पता चला कि तुम्हें पता है दादा तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला दादा कौन दादा? एकदम से मैं नहीं समझ में आया मुझे कौन दादा। तो वो बोले मिस्टर प्रदीप सरकार। वो मैंने कहा अच्छा कोई बड़ा ऐड है मतलब। तो मैं बहुत लंबा 2 घंटे का ऐड है मुझे ना बड़ा ऐड है। वहां जाके पहुंचा तो फिर जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उसने बताया कि इसमें दीपिका है, नील नितिन मुकेश है। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो बड़ा हाथ लग गया है। एनीवेज बट उसके बाद 3-4 प्रोसेस हुई, लाइक ऑडिशन हुए, उसके बाद एक स्क्रीन हम लोग का एक सीन हुआ था लास्ट जिसमें फाइनली हुआ था मैं लास्ट तक। तो उन्होंने गोपी एंड दीस गाइस आर पुलिंग माय लेग कि गोपी इज द राइटर, गोपी इज द राइटर। सो वो एकदम मेरी कैमरा एकदम लगा के बोलते हैं कि विनय गिव योर बेस्ट शॉट, हां आदि इज गोइंग टू वॉच इट। आदि एज एन आदित्य चोपड़ा। एंड देन नील सेड या बिगेस्ट प्रोड्यूसर। मैंने कहा जानबूझकर आपको डराने की कोशिश कर रहे थे पूरा एकदम ले रहे थे मेरी। तो मैंने कहा प्लीज यार अभी दोबारा से देता हूँ। नहीं बट उस चक्कर में इसने इतना अच्छा परफॉर्म that image because we were also meeting him for the first time. He was finalized, okay. I was finalized, and that was the first day ki hum log Vinay se mile the. Achha. It went well. And he was finalized immediately. Everyone saw the performance, yeah. And they were like, he's Gulkand. And Namit, aapko audition dena pada because aapki to makeup set bhi release ho chuki thi, the President is coming release ho chuki thi, and dono filmon mein aapki performance logo ko bahut pasand aayi thi. So did you also have to go through this auditioning process? Yes, I had to go through the process. Wake Up Set released. I think Adi Chopra saw the film and also saw some of the ad commercials which I had been doing. Correct. And मुझे फिर दादा के ऑफिस से ही फोन आया कि एक रोल है उनकी नई फिल्म में, तो ही थिंक्स दैट यू फिट द बिल, तो आप प्लीज आके स्क्रीन टेस्ट कीजिए उसके लिए, एक ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट व्हाटएवर। तो मैंने ऑडिशन किया उसके लिए एंड दे सेड के यू बीन फाइनलाइज फॉर द रोल। सो इट वाज वेरी मच द सेम प्रोसेस। विराज आपने जॉन अब्राहम के इनिशियल स्टेजेस ऑफ हिज करियर में उनकी आवाज डब की है फिल्मों में, डीनो मोरिया की आवाज की है, बट बिसाइड्स दैट यू आर ऑल्सो गुड मिमिक। हमें ये पता है कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, संजय दत्त की हो, अलग अलग एक्टर्स की, तो कहीं थोड़ी सी झलक हमें मिल जाए। आप बिलीव नहीं कर सकते, ये गुरु है आदमी, सच्ची में ये आवाज़ दो बस हो जाइए। जैसे विनय बात करेगा ना, अगर विनय बात कर रहा था सर मैं दरअसल FTII से था और मैं यहाँ दोस्तों के साथ अकेला रह रहा था और तब मुझे एक एड देखी मैंने फिल्म में, तो मुझे पता नहीं था दादा कौन है, दादा कौन है रे यार। फॉर एग्जाम्पल विच आर द अदर एक्टर्स यू इमिटेट? नॉट रियली बट आई हैव बीन, आई डू अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स आल्सो। मैं कमर्शियल्स काफी डबिंग्स और वॉइस ओवर्स करता हूँ, तो धोनी की वॉइसेस सारी मेरी हैं। हो जाए धोनी की आवाज। पढ़ाई में कुछ खास नहीं था पर पढ़ाई बिना तो लाइफ में टेंशन है। फिर मैंने खूब पढ़ाई की, पिच की पढ़ाई की, बोलर्स के दिमाग की पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई में तो एक वर्ल्ड कप आ गया।
That's very nice. And among the Bollywood stars, personally very fond of Aamir Khan, his dialogues and. So Aamir Khan ke do dialogues. No. अरे आपके गले में होता है क्या है? इससे ज़्यादा चिल्लर तो बम्बई की किसी भिखारी की कटोरी में मिलेगा. Seriously, tell me, what are your expectations from the film? आज release हुई है. Have you all gone to the cinemas and seen, or you all intend going now to the cinemas and seeing with the public? We intend to go. We haven't yet gone. Achha. Because we've been just a little occupied with the other activity, the promotional activities and all. Okay. So, but yeah. Log, तीनों जनों को मैं पूछता हूँ एक ही सवाल. आखिरी सवाल है ये कि what do you think the film will do at the box office and what do you think the film will do for you in your acting career? आप शुरू हो जाइए. You know what I? For me, it was personally judge. अब तक मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस चीज को. It's not an excuse, but शायद ये मेरी पहली फिल्म है और जो प्रोसेस मैंने देखा हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो मैं कंप्लीटली जज नहीं कर पा रहा हूं. बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, इट्स सच अ फील गुड फिल्म. इट्स अ वेरी फील गुड फिल्म कि आप जाएंगे फिल्म देखेंगे बहुत, यू बी यू नो यू गो विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ओवरऑल इन योर एवरीडे लाइफ. ये बहुत फील गुड फिल्म है, मजा आ जाएगा लोगों को. Okay. इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूं. Okay. नमित, आप क्या सोचते हैं? मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूं कि ये फिल्म वर्क करेगी एंड पीपल विल कम एंड वॉच इट एंड एनीवन हु कम्स एंड वॉचेस इट विल गो आउट वेरी हैप्पी. दैट्स वेरी नाइस. और विनय, आप क्या सोचते हैं? मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर मैं एक आम आदमी की तरीके से अगर प्रोमोस देखता तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द फिल्म. आई वुड लव इट. आई मीन, एंड डू यू थिंक दिस इज द राइट फिल्म फॉर यू टू स्टार्ट योर करियर विद? Of course, I mean more than my expectations. It's I think जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे बहुत ज़्यादा है. आपने सोचा है कि बड़ी ad film है, ये तो बहुत ही बड़ी ad film निकली. Actually, आप जैसा सोचते हैं, let's just hope that the public also endorses what you all think. And today is D-Day, so let's just keep our fingers crossed. बिल्कुल. Thank you so much for being here. Thank you so much. Sir.